हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही बढ़िया क्रीमी सी मैंगो आइसक्रीम। ये देखिए इसका टेक्सचर कितनी क्रीमी है, कितनी स्मूथ है और ये बहुत ही इजीली बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आइसक्रीम की ये रेसिपी। सिर्फ तीन चीजें मेन है इसमें, एक है व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल ठंडी, फ्रीजर से निकली हुई व्हिपिंग क्रीम ली है और इसमें बर्फ नहीं जमी हुई है। अगर आपको व्हिपिंग क्रीम ना मिले तो अमूल की क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कप व्हिपिंग क्रीम, आधा कप दूध और दो से तीन मीडियम साइज के आम जिनका कि हम पल्प निकालेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भी ऐड करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ कप से दो टेबलस्पून कम पिसी हुई चीनी ली है। तो आइए शुरू करते हैं हम आइसक्रीम बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रीम को व्हिप कर लूंगी क्योंकि ये चिल्ड है, इसे हमें सबसे पहले व्हिप कर लेना है। मैंने यहाँ पर कांच का बाउल लिया है, इसमें हम क्रीम डाल देंगे। ये जो व्हिपिंग क्रीम है इसी से ये आइसक्रीम जो है वो क्रीमी बनेगी क्योंकि इसमें काफी एयर भर जाती है और ये बहुत ही फ्लफी बनती है। तो इसको हम सबसे पहले व्हिस्क कर लेंगे। हम इसे लो स्पीड पर करना शुरू करेंगे और स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए 2 मिनट में ही ये सॉफ्ट पीक्स तक पहुंचने वाली है। तो इसको 2 मिनट के लिए और हम इसी तरह से बीट करेंगे। बाउल को इस तरह रोटेट करने से और भी जल्दी हीट हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ये हमें इतनी ही बीट की हुई चाहिए। ये देखिए इसकी इसी सॉफ्ट टेक्सचर के कारण जो आइसक्रीम है बहुत सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी और बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बन करके रेडी होगी। ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए व्हिप क्रीम का टेक्सचर। तो हम इसको साइड पर रख देंगे और साथ ही अब हम आम की प्यूरी बना लेंगे। तो आम की प्यूरी बनाने के लिए हम सबसे पहले आम को छील लेंगे। मैंने आम को पहले ही धो लिया है, आप कोई भी वैरायटी का आम यूज कर सकते हैं। मैंने आम का पल्प इसमें निकाल लिया है, अब हम इसको प्यूरी करेंगे। उससे पहले मैं इसमें 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून शुगर जो है वो इसमें ऐड करूंगी। प्यूरी के साथ ही इजिली ब्लेंड हो जाएगी। प्यूरी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम जो हमने मिल्क लिया है उसमें से लगभग 1 से 2 चम्मच के करीब दूध डाल देंगे। बाकी का दूध हम क्रीम में ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। इसको स्मूथ प्यूरी रेडी है, अब हम इसे व्हिप क्रीम में मिक्स करेंगे। तो ये जो हमने क्रीम व्हिप की थी बिल्कुल सॉफ्ट पीक तक, इसमें हम अब जो दूध बचा है वो इसमें डाल देंगे। इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी ताकि जल्दी से मिक्स हो जाए। अब चाहे तो इसे स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर है इसका। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी, मेजर करके डालूंगी, इसको डाल दूंगी यहाँ पर। ये 1/4 कप ही है क्योंकि मैंने इसे हीप लिया है, ऊपर तक भरा हुआ था कप। आप चाहें तो बिना नापे भी डाल सकते हैं बट उससे आइसक्रीम का टेक्सचर जो है वो कई बार परफेक्ट नहीं आता। हमने इसमें कोई कलर नहीं ऐड किया है। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर हमें जरूरत लगी तो हम इसमें कलर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि प्यूरी जो है वो बिल्कुल नीचे जाकर के बैठ जाती है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इसका। तो अब हम बची हुई मैंगो प्यूरी भी मिक्स कर देंगे क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, जस्ट 2 to 3 टेबलस्पून है। आप इस समय इसमें मीठा चेक कर सकते हैं कि कम या ज्यादा तो नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आइसक्रीम का कलर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो मैं इसमें कुछ बूंदे येलो फूड कलर के डाल दूंगी, जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स। एक ड्रॉप जो है वो ऑरेंज कलर डाल रही हूँ मैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। इससे आइसक्रीम का कलर बहुत अच्छा आएगा। आइसक्रीम का क्रीमी बेस बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। अब हम इसमें ये थोड़े से चंक्स डाल देंगे मैंगो के, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं, बट जब आइसक्रीम में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ मैंगो चंक्स डाल रही हूँ। जिस भी आप कंटेनर में इसे जमाना चाहें उसमें इसे डाल दें। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एल्यूमिनियम का पैन लिया है जो कि केक वगैरह बेक होने के लिए यूज होता है, आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं। इसमें आइसक्रीम काफी जल्दी से जम जाती है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर सारा बेस मैं इसमें डाल दूंगी। आपको इसे बार बार मिक्स नहीं करना पड़ेगा मिक्सी के जार में डालकर क्योंकि इसका टेक्सचर ऑलरेडी इतना क्रीमी है कि काफी क्रीमी आइसक्रीम बनती है। बस इसे ओवरनाइट इसी तरह फ्रीजर में रख दें। मैं इस पर क्लिंग फिल्म लगा दूंगी और क्लिंग फिल्म को हम इससे टच करके फिर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, एक तो इससे आइसक्रीम पर कोई लेयर नहीं आएगी और दूसरा इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते, इस तरह से बर्फ नहीं जमी हुई मिलेगी आपको आइसक्रीम में। अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनेगी। अब हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से।
इसका ये लिड साथ ही में मिलता है बॉक्स का। अगर आप ये नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई कांच का एयर टाइट कंटेनर या प्लास्टिक का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसे ढक करके फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए 8 घंटों के लिए, और उसके बाद मैं आपको आइसक्रीम सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए इसे 8 घंटे हो चुके हैं, हमने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है, तो मैं इसे खोल लूंगी। आप इसे इस तरह से प्रेस करके चेक कर सकते हैं, ये देखिए आइसक्रीम पूरी तरह से जम चुकी है, क्योंकि हमने इस पर ये क्लिंग फिल्म लगाई थी इसलिए इस पर कोई लेयर भी नहीं है। तो हम इसे क्लिंग फिल्म निकाल देंगे। आपको आइसक्रीम का टेक्सचर देखकर ही पता लग रहा होगा कि किस तरह की है। देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनी है, कितनी सॉफ्ट है और काफी क्रीमी भी है, इसमें आइस क्रिस्टल्स भी नहीं नजर आ रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ पर इस मैंगो के स्लाइस के साथ सर्व करूंगी, क्योंकि ये मैंगो आइसक्रीम है। तो हम आइसक्रीम को निकाल लेंगे, ये देखिए कितनी इजिली निकल रही है, ये देखिए कितना बढ़िया और क्रीमी टेक्सचर है आइसक्रीम का। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी, ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी क्रीमी से टेक्सचर की आइसक्रीम है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं एक और स्कूप निकाल लूंगी, इसी तरह से ये काफी इजिली निकल रही है और बहुत ही बढ़िया सी जम करके रेडी हुई है। इसमें कहीं कहीं बीच में मैंगो के टुकड़े भी हैं और आइसक्रीम वाकई बहुत क्रीमी और परफेक्ट दिख रही है। तो मैंने यहाँ पर मैंगो आइसक्रीम को सर्व कर लिया है मैंगो के स्लाइस के साथ, बिल्कुल परफेक्ट और क्रीमी आइसक्रीम रेडी है। और अगर आप इस आइसक्रीम को दोबारा से रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना आए, इसको दोबारा से इस तरह से कवर कर दूंगी टच करते हुए और इसको फ्रीजर में रख दूंगी। ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपकी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बनेगी। इस बॉक्स को दोबारा से बंद करके रख दे। तो इस तरह से आप अपनी आइसक्रीम को विदाउट आइस क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो ये देखिए रेडी है मैंगो आइसक्रीम। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो पुडिंग, जो कि हम बनाएंगे अगर अगर से। तो मैंने यहाँ पर अगर अगर पाउडर यूज किया है, अगर आप चाहें तो पाउडर की जगह स्ट्रिप्स या चाइना ग्रास जो मिलती है वो यूज कर सकते हैं, और अगर आप ये भी यूज ना करना चाहें तो आप जेलेटिन यूज कर सकते हैं। बट अगर अगर जो है एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो मैं इसलिए ये यूज कर रही हूँ। जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। 1.5 कप मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर, 4 मीडियम साइज के मैंगो है लगभग 600 ग्राम, इनको हम पील करके इनका पल्प निकालेंगे। 1/2 कप शुगर है, 2 टीस्पून अगर अगर पाउडर है, 1/2 लेमन यूज करूंगी मैं। साथ ही इसमें यूज करूंगी 50 ml कंडेंस्ड मिल्क, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं लगभग 4 टेबलस्पून। अगर वो भी यूज नहीं करना चाहते तो आप इसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क अवॉइड कर रहे हैं तो 2 टेबलस्पून शुगर जो है वो और ऐड कर सकते हैं मिल्क में। तो मैंगो पुडिंग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 कप पानी लेंगे और इसमें 2.5 टीस्पून अगर अगर पाउडर डाल देंगे और इसको गर्म करने रख दूंगी मैं। ये काफी जल्दी से डिजोल्व होने लगता है। अगर आप चाइना ग्रास की स्ट्रिप्स ऐड कर रहे हैं तो उसको आपको पहले से ही सोक करके रखना होगा। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी लिया था, इसमें 1/2 कप पानी और डाल दूंगी, तो टोटल 1 कप वाटर लिया है हमने। तो इसको अच्छे से एक बॉयल लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से डिजोल्व हो जाए। ये बिल्कुल पानी जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिजोल्व हो चुका है और इसको हम साइड पर रख देंगे। तो हमने 1 कप वाटर में अगर अगर डिजोल्व की है, तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। गैस बंद करके इसको साइड पर रख देंगे और दूसरी लेयर्स की तैयारी कर लेंगे। तो फर्स्ट लेयर के लिए यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर 1 कप दूध डाल दिया है, तो 1/2 कप दूध और डाल देंगे। 1/4 कप चीनी डाल देंगे, अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप इसमें 3 टेबलस्पून तक चीनी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे ये कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क के कारण इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो जाता है, तो कोशिश करें कि ऐड करें, अगर ना हो तो मिल्क पाउडर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक ये बॉयल हो रहा है हम आम को छील करके उसको प्यूरी कर लेंगे। तो मिक्सी के जार में इस तरह से इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। तो मैं सभी आम इसी तरह से छील करके पल्प निकाल लूंगी। तो सारा मैंगो पल्प हमने निकाल लिया है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। तो मिल्क वाली लेयर जो है वो रेडी है, ये देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है, मैंने गैस लो कर दिया था, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जो हमने अगर अगर को इसमें मिक्स किया था और गर्म किया था, ये देखिए सेट होने लगता है, तो घबराने की बात नहीं है, इसको दोबारा से गर्म कर लेंगे और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देंगे ताकि ये दोबारा से बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी पर आ जाए। तो इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे
जैसे ही हम इसे गरम करेंगे ये फिर से मेल्ट होने लगेगा। आपको जब भी इसे यूज करना है इसे गरम करें तभी यूज करें, ताकि ये पूरी तरह से पिघला हुआ हो। अगर अगर फिर से उसी कंसिस्टेंसी पर आ गई है तो हम इसमें से हाफ लिक्विड जो है इसमें डाल देंगे। मैं इसे मेजर करके डालूंगी, तो ये देखिए हाफ कप मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि चारों तरफ फैल जाए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर एक कांच का कंटेनर लिया है तो मैं इसमें इसे डाल दूंगी। और अब हम इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए, और जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। या फिर आप इसे डायरेक्टली फ्रिज में रखकर भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस पर दूसरी लेयर जमानी है, तो इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे या हल्का सा सेट होने देंगे। तो अब हम मैंगो को प्यूरे कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ प्यूरे बन करके तैयार है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, तो हम इसे निकाल लेंगे। मैंगो प्यूरे को मैंने यहाँ पर एक पैन में शिफ्ट कर लिया है और इसके नीचे गैस चला देंगे। और ये जिस जार में हमने मैंगो को पीसा था इसमें आधा कप पानी डाल दिया है मैंने, और ये जो बाकी का बचा हुआ प्यूरी है उसको भी निकाल लेंगे। इसको मिक्स कर देंगे पानी के साथ और इसको एक बॉयल आने देंगे। आप चाहें तो इस लेयर में थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 400 ग्राम तक प्यूरी है और मैंने यहाँ पर 3/4 कप पानी डाला है। थोड़ा सा पानी इस प्यूरी के साथ भी डाला है, बाकी का जो पानी है वो उस अगर अगर के साथ ऐड हो जाएगा। तो टोटल मैंगो प्यूरी के साथ 1 कप पानी जाएगा। तो ये देखिए इसको एक बॉयल आने देंगे। आप चाहें तो इसमें शुगर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने पहले ही चीनी को पीस लिया था इसके साथ। अब हम इसमें आधे नींबू का रस डाल देंगे। इसको डालने से जो आम है उसका टेस्ट वो बहुत बढ़िया आता है, तो गैस बंद कर देंगे, क्योंकि नींबू के रस को पकाना नहीं चाहिए। अगर आप इसे पकाएंगे तो ये कड़वा पड़ सकता है। और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मैंगो मिक्सचर की, ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे सेट करना है। तो हम इस गरम मिक्सचर में ही ये अगर अगर का जो हमने मिक्सचर रेडी किया है इसको भी डाल देंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर ये जमने लगे तो आप इसको गरम कर लें 2-3 चम्मच पानी डाल के, और ये फिर से पिघल जाएगा। हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैंगो का मिक्सचर भी रेडी है, मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, जो भी कलर्स हैं वो नेचुरल हैं। तो दूसरी लेयर भी थोड़ी सेट हो चुकी होगी, तो हम उसमें इसको डाल देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर, और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बच्चे और फैमिली भी बहुत खुश हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फ्रूट है, दूध है, जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो इसको एक बार हल्का सा टैप कर देंगे। तो पहले इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो इसे 1 घंटा हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। पास से देखने पर आपको पता लगेगा, ये देखिए इसके एजेस जो है ये खुद ब खुद निकल रहे हैं, इसका मतलब ये पूरे अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं इसे इस बोर्ड पर निकाल लूंगी। देखिए कितनी क्लीन पुडिंग बन करके रेडी हुई है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो मैं आपको इसका एक पीस निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनी है इसमें, तो मैं इसे प्लेट में असेंबल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया पुडिंग बन करके रेडी हुई है, मैंने इसके सभी पीसेस को प्लेट में अरेंज कर लिया है, और ये देखिए कितनी क्लीन पीसेस हैं। तो डू ट्राई दिस रेसिपी, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज विद खाना मनपसंद। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।